हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का जो आज पेपर स्टार्ट हुआ है इसके सोल्यूशन के बारे में। आज 5 अगस्त है और पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है? आप चीज़ों को याद करिएगा। साथ ही साथ यह और चैनल में जो अपलोड किए गए हैं सोल्यूशन, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा ये डीप स्टडी के थ्रू होगा, ठीक है? तो देखिए, मैं बताता हूँ। जो कि पहला क्वेश्चन आया था यहाँ, ये था कि पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो चाहे आप बात करिए यूपी की, चाहे आप बात करिए भारत की, जो पहली महिला गवर्नर थी वो कौन बनाई गई थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पेशे से क्या थी? एक पोएट थी, एक कवित्री थी, ठीक है? और यही जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो देखिए, यहाँ गवर्नर को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आरबीआई के गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल को भी गवर्नर कहा जाता है, ठीक है? तो इसको आप समझिएगा बात को। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू की थी। देखिए, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। 1917 में सबसे पहली बार अध्यक्षता करती एनी बेसेंट, लेकिन क्योंकि वो भारतीय तो थी नहीं, तो पूछता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस महिला द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन अगर पूछे किस भारतीय महिला के द्वारा किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? यही सरोजिनी नायडू, ठीक है? पहली भारतीय महिला जिनके द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। इन्होंने अपनी पहली कविता का जो संग्रह किया था वो किस नाम से संग्रह किया था? गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड, इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगल, और इन्हें भारत कोकिला का भी नाम दिया जाता है, ठीक है? तो इनसे संबंधित कुछ चीजें थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो इसे संबंधित एक और टॉपिक देख लीजिए, कि अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप याद रखिए सुचिता कृपलानी, ठीक है? ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी। जेबी कृपलानी ने झंडा समिति के अध्यक्ष बताए जाते हैं, ठीक है? कई जगह विवाद है लेकिन माना उन्हीं को जाता है। जेबी कृपलानी कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे, हेड थे, ठीक है? और उन्हीं की पत्नी थे सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। अगर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि काकोरी कांड कब हुआ। तो काकोरी कांड जान लीजिए दोस्तों, ये 9 अगस्त को हुआ था, ठीक है? और ये हुआ था 1925 में। 9 अगस्त को अगर हम विश्व युद्ध की बात करें तो अमेरिका ने क्या किया था? जापान के ऊपर बम गिराया था 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को किस जगह पे बम गिराया था? 9 से नागासाकी, ठीक है? तो नागासाकी आप याद रखिएगा, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट कोरिलेशन में लेके चल रहा हूँ, जो जिसे आप जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है? इस काकोरी कांड में सबसे बड़ा हाथ किसका था? इस पूरे मास्टरमाइंड कौन थे? तो वो थे रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है? रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, उनके साथ थे अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन सन्याल, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है? आगे चल के रामप्रसाद बिस्मिल के साथ लाला हरदयाल मिल करके एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है? बाद में लाला हरदयाल जब अमेरिका में जाते हैं तो सैन फ्रांसिस्को में एक और पार्टी बनाते हैं, गदर पार्टी, ठीक है? तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। नॉर्मली अगर आपसे ये पूछता है तो आप क्या बताएंगे? रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है? चंद्रशेखर आजाद ने भी इसी नाम की एक पार्टी बनाई, लेकिन उनके इस नाम के जगह पर उन्होंने नाम इस्तेमाल किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन, और बीच में आ गए एसोसिएशन, सोशलिस्ट, क्या आ गया? सोशलिस्ट, ठीक है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन किसने बनाया है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? चंद्रशेखर आजाद। लेकिन अगर सोशलिस्ट वर्ड नहीं लगा है तो आप क्या बताएंगे? रामप्रसाद बिस्मिल। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस कांड में हुआ क्या था कि 8 डाउन सहारन पैसेंजर जो लखनऊ जा रही थी, ठीक है, उस पैसेंजर को लूट लिया गया था, ठीक है? तो ध्यान देंगे। इसके अलावा एक और विद्रोह हुआ था दोस्तों, चटगांव विद्रोह, हो सकता है कि इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। चटगांव विद्रोह में को किया था सूरसेन ने, इनको मास्टर दा भी बोला जाता था, और चटगांव पड़ता है दोस्तों बांग्लादेश में, वहां अंग्रेजों का शस्त्रागार था, इसे लूट लिया गया था, ठीक है? तो आप याद रखेंगे। आगे चल के इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है? कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के बारे में पूछा था, ठीक है? अस्थाई मेमोरी, तो दो चीज़ याद देखिए। देखिए, एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज जो होता है वो तो अस्थाई होता ही है, लेकिन यहाँ बात किया था प्राइमरी स्टोरेज में कौन सा मेमोरी अस्थाई होता है। तो आप याद रखिए कि रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? ये क्या होता है? अस्थाई होता है, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी लाइट के कटने के बाद इससे डेटा समाप्त नहीं होगा, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ठीक है? और रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थाई होती है, ठीक है? और इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं कि लाइट कटने के बाद इसमें कोई डेटा सेव नहीं होगा, वो डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है? तो रोम क्या होता है? आपका नॉन वोलाटाइल होता है या अस्थाई मेमोरी होता है, ठीक है? आपके कंप्यूटर का जो ओएस का जो प्रोग्राम होता है ना, वो कहां सेव होता है? वो रोम में ही सेव होता है, ठीक है? ओएस का जो प्रोग्राम सेव होता है, ठीक है? आइए, एक क्वेश्चन पूछा था गेहूं के बारे में, ठीक है? तो क्वेश्चन क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने गेहूं के बारे में जितनी बातें हूं मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, गेहूं है वो किस प्रजाति का है, शायद यही क्वेश्चन था। तो ट्रिटिकम कौन सी जाति का है, वो किस जाति का है? ट्रिटिकम जाति का पड़ता है।
अगर हम उत्पादक देशों की बात करें तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन देख लें कि विश्व में कौन सी उपज सबसे ज्यादा होती है, तो मक्का की उपज सबसे ज्यादा होती है, गेहूं दूसरे नंबर पर आता है और चावल तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, हाँ आप एकदम फिक्र मत करिए, मक्का है पहला, दूसरा ऑप्शन गेहूं, तीसरा ऑप्शन चावल। गेहूं पे एक रोग भी लगता है दोस्तों, अक्सर का क्वेश्चन आ जाता है, इस रोग का नाम है करनाल बंट। ठीक है, समर्थन मूल्य देख लीजिए, सरकार ने इसका समर्थन मूल्य फिक्स किया है 2015-16 में। गेहूं का समर्थन मूल्य था 1525 रुपया, बाद में इसको 100 रुपये से बढ़ा दिया गया 2016-17 के लिए, 1625 रुपये है समर्थन मूल्य। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था साइंस से फिजिक्स में कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो देखिए दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, अदरवाइज आपके एग्जाम में भी दे सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको और मात्रक बता देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए एक रिविजन क्लास है, ठीक है पढ़ते चलिए आप खाली। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसका होता है, तो एम्पियर का होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा तो रिवाइज कर लें वो। तापमान किसका, ताप किसका होता है, तो केल्विन होता है ताप का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, ठीक है ना, समतल कोण है तो रेडियन और ठोस कोण है तो स्टेरेडियन। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको मापा जाता है एंगस्ट्राम में, और ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदम में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बार में। ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है कैलोरी में। शक्ति को वाट में, कार्य को जूल में और बल को न्यूटन में। तो इतना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको एक नज़र देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ और मैं यहाँ दिखाऊँ, खगोली की खगोली इकाई किसे कहते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, उसको मापा जाता है। तो इसका जो मान है कितना है, 1.495 × 10^11 मीटर है दोस्तों, मीटर याद रखिएगा, 10^11 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका आंकड़ा क्या होता है, 9.46 × 10^15 मीटर। किलोमीटर में आएंगे तो 3 जीरो घटा लीजिएगा, मतलब 10^12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी की। ठीक है, 3.08 × 10^16 मीटर होता है। और नॉटिकल मील का नाम आपने सुना होगा, समुद्री दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया था नॉटिकल मील, और ये होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग 202 किलोमीटर के आसपास या 1800 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नियुक्त करता है। ठीक है, तो नियुक्त क्या करता है, नियुक्त करता है या मनोनीत करता है, बात एक ही है। तो लोकसभा में बात कर रहा है, तो देखिए लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करता है, और ये आंग्ल भारतीय होते हैं। अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि वहां पे पर्याप्त जो है आंग्ल भारतीयों का समूह नहीं है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में वो नहीं है, तो उनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इनका रिजर्वेशन होता है, और ये रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 से। जबकि अनुसूचित जाति के बारे में रिजर्वेशन दिया गया है तो अनुच्छेद 330 में दिया गया है। तो 331 में आप ध्यान दीजिएगा, आंग्ल भारतीयों के बारे में बताया गया है। और इसी तरह राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है। अगर आपसे पूछे कि कुल संसद में कुल कितने लोगों को नियुक्त करता है, तो वह 14 लोगों को नियुक्त करता है। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन आया था लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन है, तो लेजर प्रिंटर का आविष्कारक है गैरी स्टार्क वेदर। तो स्टार्क वेदर को आप कैसे याद करेंगे, तो आपने अगर आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसमें स्टार्क का नाम आपने जानते होंगे, तो स्टार्क से याद कर लीजिए लेजर प्रिंटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे वायान के आविष्कारक कौन है, तो राइट बंधु हैं। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक कंप्यूटर अगर बात बोल दे, देखिए कंप्यूटर हम लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज, लेकिन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर के बारे में बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, तो बेनार्ड इंकर्ट वह मैनुअली, दोनों लोगों ने मिलकर किया था। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात कर ले, तो जे गुटेनबर्ग ने किया था। टीवी को किया था जान लोगी बेयर्ड, तो जान लोगी याद रख लो आप। ठीक है, जान लोगी। टेलीस्कोप को किया था गैलीलियो ने। सेफ्टी लैम्प को दिया था सर हैम्फ्री डेवी ने। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। सियाचिन विवाद किन देशों के मध्य है, क्वेश्चन था एसएससी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो पूछा है कि सियाचिन विवाद किन देशों के मध्य है, तो आप याद रखिएगा भारत पाकिस्तान है। कई लोग भारत चीन समझ लेते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। भारत चीन के साथ जो विवाद है वो अरुणाचल को लेकर के है, तवांग को लेकर के जो सिक्किम में है, और डोकलांग क्षेत्र जो अभी तिब्बत में था उसको भूटान के पास था, ठीक है उसको लेकर के था। ठीक है, तो हमारा जो चीन के साथ विवाद इन मुद्दों पर है, और पाकिस्तान के साथ विवाद जो है वो सियाचिन को लेकर के है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कौन सा है, यही सियाचिन है। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे, एक LOC होता है, एक LAC होता है। LOC जो होता है
है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। तो एलओसी होता है वो पाकिस्तान को बोलते हैं, वहां पे लाइनिंग जो है पाकिस्तान के लिए और इसके लिए चाइना की लाइनिंग है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। पूछा था क्वेश्चन कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या किस पर निर्भर करता है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट हमेशा निर्भर करता है वायुमंडलीय दबाव पर। किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दबाव पर। आइए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। देखिए कठोर जल किसे कहते हैं, तो कठोर जल में क्या होता है, देखिए साबुन के साथ कभी फेन नहीं बनता, मतलब झाग नहीं बनता। अगर जल कठोर है तो साबुन के साथ झाग नहीं बनेगा। तो जल की अस्थाई कठोरता क्या होती है, ठीक है, जब जल में क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं तो वहाँ पे जल की अस्थाई कठोरता होती है। और अस्थाई कठोरता कब होती है, जब कैल्शियम, देखिए मैटर तो ही रहेगा, रहेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम ही, लेकिन जब क्लोराइड और सल्फेट होता है तो क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा। और जब कैल्शियम हो जाएगा बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बाई कार्बोनेट हो जाएगा तो वो अस्थायी कठोरता हो जाएगा। तो आप याद कर लो क से क्लोराइड, क से कठोरता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाई क्लोराइड बाई कार्बोनेट है तो ये अस्थायी कठोरता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और भार के अनुसार अनुपात क्या होता है, तो 1:8 होता है, ठीक है, 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 1:8 होता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा स्पीड मेरी ज्यादा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। आयतन के अनुसार अगर आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा तो यह है 2:1। कितना है? 2:1। जल का सबसे अधिक घनत्व तो किस तापमान पर होता है, तो 4°C पर, ठीक है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा किस चीज की पाई जाती है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जल का अणु भार कितना होता है, तो देखिए 18, लेकिन अणु सूत्र क्या है, तो H2O, ये तो सबको पता है, ठीक है। और अगर भारी जल का अणु भार बोलेंगे तो 20, थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, ठीक है, 18 से 20 हो गया। जल का अणु भार 18 और भारी जल का अणु भार 20। शुद्ध जल हमेशा देखिए उदासीन होता है, ठीक है, और जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है, तो क्लोरीन से। कहीं भी आप देखते होंगे जहाँ पे क्या होता है, वाटर पार्क वगैरह होता है या फिर कहीं पे स्विमिंग पूल वगैरह होता है, तो उसकी सफाई में हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जल का शुद्धिकरण करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। पूछा क्वेश्चन कि यूएस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कौन है, यूएस यानी यूएसए का, ठीक है ना, यूएसए का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कौन है, तो आप इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है, भारत, ठीक है, भारत है। अभी जल्दी ही पिछले साल की बात है, दिसंबर में भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गए थे वहाँ पे, वहाँ के रक्षा मंत्री से मिले और वहाँ का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बना, डिफेंस साझेदार बना भारत, ठीक है। देखिए हिंद महासागर में अभी जल्दी ही हुआ था, एक नौसेना अभ्यास हुआ था, ठीक है, और इसमें जापान, अमेरिका और भारत तीनों शामिल थे, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे ध्यान से। सदन को चलाने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है, यानी कोरम पूरा करने के लिए कितने लोग जरूरत होती है, तो कम से कम 1/10 लोग रहेंगे तभी सदन चल सकेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में होते 545 मेंबर डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 54 आदमी तो होंगे नहीं, इसका मतलब आदमी कितने होंगे, 55। राज्यसभा की बात करेंगे तो 245 डिवाइड बाई 10, ठीक है, आ गया 24.5, और 24.5 आदमी तो होंगे नहीं, तो होंगे कितने आदमी, 25 आदमी, ठीक है। तो ये कोरम पूरा करने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए। अम्ल वर्षा के बारे में क्वेश्चन था कि वह अम्ल वर्षा किस वजह से होती है, किस कारण होती है, तो आपका जवाब क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, यानी SO2 और NO2, ठीक है, तो ये आसमान में पहुंचकर जल के साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद दोस्तों होता क्या है, बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और तेजाब। आप समझते होंगे कि तेजाबी वर्षा इसी को कहते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड की वर्षा होती है और तेजाबी वर्षा होती है, ठीक है, तो किसकी अधिकता हो जाती है, SO2 और NO2 की, ठीक है। आगे बातें करते हैं, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो देखिए वहां पे ऑप्शन नहीं था, इसे वहां पे जो ऑप्शन था वो सैम मानेकशॉ का ऑप्शन था, जबकि ये पहले नहीं थे, दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे दोस्तों KM करियप्पा हैं, क्या नाम है, KM करियप्पा, ठीक है। और ये जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 में विभाजन के बाद, तो उसमें बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किए थे, और पहले इन्हीं को बनाया गया था KM करियप्पा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे ऑप्शन क्या था, सैम मानेकशॉ था, ये दूसरे नंबर पे थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी रोल प्ले किया है, और 1947 में भी, 1962 जो इंडो चाइना वार हुआ था वहाँ पे भी, 65 में जो इंडो पाक वार हुआ था वहाँ पे भी, और सबसे अच्छा इन्होंने रोल प्ले किया हुआ कहाँ पे, इंडो पाक वार 1971, उसी टाइम में जाके बांग्लादेश भी बना था, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे दोनों चीजें। और वर्तमान की बातें बता दूं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, जनरल बिपिन रावत। और थल सेना का जो डेट मनाया जाता है, कौन सा डे है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो नाम है सुनील लांबा, और ये मनाया जाता है कब, 4 दिसंबर को, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो बीरेन सिंह धनोआ,
ठीक है, और 8 अक्टूबर को। तो देखिए बिपिन रावत के बारे में तो सब लोग जानते हैं, सुनील लांबा, देखिए हम बात करें नौसेना की, नौसेना चलता है जल में, और नील माने क्या होता है, जल। तो आप ऐसे याद करिए, नील से जल हो जाएगा तो सुनील हो जाएगा, ठीक ना। बीरेंद्र सिंह धरोआ, तो इंद्र हमेशा हवा में रहते हैं, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए कुछ बना के। धनोआ, धनुष से हमेशा तीर हवा में छोड़ी जाती है, तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, बीरेंद्र सिंह धरोआ। तो ये आप इस तरह से कुछ ट्रिक याद रखेंगे ताकि आपको टाइम पे याद आ जाए। पूछा था कि पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने रियो ओलंपिक में पदक जीता, तो देखिए बहुत यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो पूछा है कि रियो ओलंपिक में, तो रियो में तो ओलंपिक पहली बार हुआ, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जाके ओलंपिक हुआ, और रियो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। तो ब्राजील कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में। तो पहली बार दक्षिण अमेरिका में रियो जो ओलंपिक हुआ वो गेम हुआ यार, ठीक है, रियो नहीं, रियो तो शहर में हुआ था, ठीक है ना। तो ओलंपिक वहाँ पे हुआ, ये 31वां संस्करण था, और गेम की बात करेंगे तो 28वां गेम था, ठीक है। यह चला था 5 से लेकर 21 अगस्त तक, ठीक है, 2016 में हुआ था। आज आपका जिस दिन एग्जाम उसी दिन स्टार्ट हुआ था। और भारत ने इसमें क्या दिया, देखिए भारत का जो ओपनिंग किए थे वो अभिनव बिंद्रा किए थे, और क्लोजिंग की थी साक्षी मलिक की थी, ठीक है। भारत से कुल 118 लोग शामिल हुए थे, इसमें सिर्फ 2 लोगों ने पदक जीता। ये 118 संख्या पूरे वर्ल्ड में किसी शामिल किसी भी देश की संख्या से सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से पार्टिसिपेट किए थे, तो भारत से। तो गोल्ड एक भी नहीं मिला दोस्तों, एक सिल्वर मिल पाया है, एक ब्रॉन्ज यानी कांस मिल पाया है, कुल 2 पदक भारत ने जीता है। और इस प्रकार भारत का जो रैंक है वो 67 है, ठीक है। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। कोसोवो और दक्षिणी सूडान, ये 2 देश ऐसे थे जो पहली बार शामिल किए गए कहाँ पे, ओलंपिक खेल को खेलने के लिए, कोसोवो और दक्षिणी सूडान। और रग्बी और गोल्फ की बात करेंगे तो 2 नए खेल भी शामिल किए गए पहली बार, इसके पहले ये नहीं थे, रग्बी और गोल्फ, ठीक है। और थीम क्या था दोस्तों रियो का जो ओलंपिक हो रहा था, तो वीवा शुवा पैक्सिया, ठीक है, अपना जुनून जियो। और 21 स्टेडियम में खेला गया, तो वहाँ खेला गया माराशाना स्टेडियम में। तो सारी बातें आप याद रखिए, ठीक है, ये आपके अगले बार जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, उसके बाद से जो भी होने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए अगर पहला स्थान मैं पूछूं तो अमेरिका ने जीता है 121 पदक के साथ, दूसरा स्थान दोस्तों ब्रिटेन का है, और तीसरा स्थान जाके चीन का है, ठीक है, चौथे पे रूस है, पांचवें पे जर्मनी है, और 6-7 नंबर पे भारत है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इतना बताया, 5 के बाद 6-7 नंबर पे डायरेक्ट भारत है, ठीक है। तो 6वां 7वां 67वां स्थान है, ठीक है। साक्षी मलिक ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना, उन्होंने रेसलिंग में जीता है। यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि साक्षी मलिक क्या खेलती है, तो रेसलिंग, ठीक है। पीवी सिंधु ने जीता है बैडमिंटन में, और इन्होंने हराया था कैरोलिना मरीन को, और इसलिए जीता था सिल्वर। तो देखिए 2 मेडल यही भारत को मिले हैं। 2020 में दोस्तों जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है, और यहाँ पे होने वाला है अगला ओलंपिक, ठीक है। पहला जो जीता था ओलंपिक में, किसने पदक जीता था, तो केडी जाधव ने जीता था 1952 में, रेसलिंग में जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। और दूसरा जीता था लिएंडर पेस ने टेनिस में 1996 में, ठीक है। तीसरी बार जीती थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो पहली महिला थी, अगर आपसे पूछे पहली महिला जिसने ओलंपिक जीता हो, पदक जीता हो, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में जीता था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। तो चीजें याद रखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। आइए आगे बातें करते हैं। अब इसके बाद पूछा था क्वेश्चन कि सीएजी किसका ऑडिट नहीं करता है, तो देखिए लोकल बॉडीज का ऑडिट नहीं करता। लोकल बॉडीज मतलब क्या है, म्यूनसिपालिटी हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, इन सबका ऑडिट वो नहीं करता है। सीएजी बारे में बताया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। राजकोषीय नीति के बारे में पूछा था, फिस्कल पॉलिसी और मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए राजकोषीय नीति क्या होती है, जब कभी मुद्रास्फीति होती है ना, मुद्रास्फीति माने महंगाई आती है, तो जो काम सरकार करती है, हमारी काम जो जो काम जो भी काम गवर्नमेंट करे वो सभी क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति। लेकिन जो काम आरबीआई करती है उसे क्या करते हैं हम, मौद्रिक नीति। जैसे मैं कहूँ कि रेपो रेट को कम करना, बढ़ाना, घटाना, सीआरआर, एसएलआर संबंधी कोई काम, ब्याज दर को घटाना बढ़ाना, तो ये सबको गवर्नमेंट से क्या मतलब, तो ये सब आरबीआई करती है, तो ये सब मौद्रिक नीति के फायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि क्या हो गया, टैक्स की पॉलिसी में चेंजेस करना, टैक्स रेट को घटा लेना, बढ़ा लेना, ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, कालाबाजारी को रोकना, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, इंपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट कर लेना, ये सारे तथ्य कहाँ पे आएंगे, तो फिस्कल पॉलिसी पे आएंगे, ठीक है। तो राजकोषीय, तो कर का स्थिरीकरण इसका सही उत्तर था, कर का स्थिरीकरण में भी किसका हाथ आता है, राजकोषीय नीति का, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि अशोक के ग्रैंडसन का नाम क्या था, या चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम क्या था, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो देखिए इनके पोते का नाम था, ग्रैंडसन मीन्स होता है पोता, इनके पोते का नाम था संप्रति, हालांकि एक और पोता है जिनका नाम था दशरथ। तो पूरा डिटेल से मैंने देखिए यहाँ पे कॉलम बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य थे सबसे पहले, ठीक है,
जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक, उसके बाद बिंदुसार उनका लड़का हुआ, उसके बाद अशोक, बिंदुसार का लड़का अशोक, अशोक का लड़का महेंद्र और संघमित्रा। तो अशोक तो बदल गया और इन लोगों को लगा दिया प्रचार करने के लिए, किसका, बौद्ध धर्म का, और आगे चल के राजा बनता दशरथ। उसके बाद लास्ट में जो शासन संभालते वो कौन थे, संप्रति। तो संप्रति सही उत्तर था, ठीक है, अशोक का ग्रैंडसन, उसमें दशरथ का ऑप्शन नहीं था, संप्रति था, तो संप्रति ही सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, तो ये आया था 1946 में 24 मार्च को। 24 मार्च से पहले आप याद कर लीजिए दोस्तों, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है, और 24 मार्च को क्या आया था, कैबिनेट मिशन। इसको भेजा गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा, वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इसमें कुल तीन सदस्य थे। पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जिसके, ठीक है, जिन्होंने पहले क्रिप्स मिशन में भी आए थे, और ए वी अलेक्जेंडर, तो ये लोग आए थे प्रस्ताव लेकर के, ठीक है। इसके बाद से ही क्या हुआ कि इन्होंने बताया, सारी चीज क्लियर हुआ और ये हुआ कि नहीं, ठीक है, भारत में नई सरकार का गठन किया जाए। नीति आयोग के बारे में पूछा था, नीति आयोग किसको हटा करके बनाया है, तो प्लानिंग कमीशन को हटा करके बना है, योजना आयोग को हटा करके बनाया गया है, ठीक है, मोदी जी के द्वारा, और इसके अध्यक्ष दो हैं, तो कौन है, ये हमेशा प्रधानमंत्री होता था। इसके पहले जब योजना आयोग था तो उस समय भी इसका अध्यक्ष कौन होता था, जो भी प्रधानमंत्री रहे वर्तमान में, उस समय में जो रहे हो, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया। देखिए इधर क्वेश्चन आया, इधर दो दिन पहले अरविंद पनगड़िया ने अपना इस्तीफा सरकार को दे दिया है, तो सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, सरकार को दूसरी बार ऐसा मौका झेलना पड़ा है। इसके पहले इस्तीफा दिया था आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने, तो सरकार के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी थी, और इस बार भी ये सरकार के लेकर के बहुत ही उंगलियां उठाई जा रही कि इतने बड़े आदमी ने क्या क्या इस्तीफा क्यों दिया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी देखिए मोदी जी का कैबिनेट विस्तार चल रहा है, ठीक है, इनको प्लानिंग था इनको वित्त मंत्री बनाने के लिए, लेकिन देखिए क्या होता है। सीईओ जो थे वो कौन है इस समय, सिंधु श्री खुल्लर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। पन्नालाल घोष किस से संबंधित है, तो देखिए बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, तो कभी भी आप देखिए आपके एग्जाम में जो भी बांसुरी होंगे ना, उनका नाम हमेशा कृष्ण जी से मिलेगा, या तो लाल लाल लगा होगा, या तो हरी लगा होगा, जैसे हरिलाल हरिदास, ये लोग क्या मानते हैं, बांसुरी, तो आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैच करेगा, कभी एक ट्रिक होता है, ठीक है ना, तो हमेशा बांसुरी ही आएगा। द सेल आउट बुक ये किसने लिखा है, तो लिखा है पॉल बिट्टी ने, देखिए बिल्टी नहीं है, बिट्टी है, पॉल बिट्टी ने लिखा है, और इनको इस बार का मैन बुकर अवार्ड भी मिला है, इस बार मतलब 2016 का मैन बुकर अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट था, मैन बुकर अवार्ड 2016 किसे मिला है, तो पॉल बिट्टी को, इन्होंने कौन सी किताब के ऊपर मिला है, तो द सेल आउट बुक, ठीक है। राष्ट्रपति की मिनिमम एज क्या होती है, तो देखिए उपराष्ट्रपति की तो 35 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष होती है, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में दोस्तों पूछा था, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इनका सीरियल आप याद रखिए, पहला था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, ठीक है ना। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद वंश के खिजर खां, और लोदी वंश के बहलोल लोदी। इसके बाद से बाबर आ जाता है और इन्हीं से लड़ाई होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और फिर उसके बाद सत्ता बदल जाती है, फिर बाबर आता है, मुगल काल चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा GKTSL, ऐसे बना लीजिए फार्मूला GKTSL, ठीक है ना। देखिए यस के बाद टी आता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे टी के बाद यस आया है, ठीक है ना, TSL, ठीक है। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं, 24वां क्वेश्चन आया आपातकाल के बारे में पूछा था, तो तीन तरह के आपातकाल होते हैं, एक अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356, 360। तो देखिए सब में चार चार का डिफरेंस, 352, 456, 460, ठीक है। इसमें बताया गया राष्ट्रीय आपात के बारे में, 56 बताया गया राष्ट्रपति शासन के बारे में, और लास्ट में बताया गया वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आज तक हमारे देश में अभी तक कभी नहीं लग पाया है, ऐसा कोई मौका नहीं है। 1991 में लगने के चांसेस थे, लेकिन लगा नहीं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो ये तीन बार लग चुका है, ठीक है, अब तक। एक बार 1962 में जब भारत के साथ चीन का युद्ध चल रहा था तब, 1971 में जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब, और 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस टाइम पे भी लगा था। तो कुल तीन बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात में एक बात याद रखिए, एक मूल अधिकार होता है 20 से 21 में, ठीक है, वो निलंबित नहीं होता, इसको छोड़कर सारे मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 20 और 21 को नहीं रोका जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार पंजाब में लगा 1991, अब तक 110 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पूछे किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, राष्ट्रपति आपातकाल लिया कहाँ से गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये भी आप याद रखें, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ जाए। स्नैक लिजार्ड किस कैटेगरी का होता है? स्नैक, ठीक है, तो रेप्टाइल कैटेगरी का होता है, या हिंदी में बोले तो हम सरीसृप कैटेगरी का होता है। ठीक है, सॉइल टेंशन के बारे में पूछा था। सॉइल टेंशन माने होता है दोस्तों सॉइल के मॉइस्चर के बारे में, मॉइस्चर, ठीक है। तो ये किससे मापा जाता है? तो टेंसियोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? टेंसियोमीटर से। कैटियन पूछा था, ठीक है ना। कैटियन क्या होता है, या कैटायन इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैटायन क्या होता है? तो ये पॉजिटिव आयन होता है, हमको पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने डिटेल से मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको। करें आयन, आयन क्या होता है? ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है, ठीक है। तो जब असमान होगा तो उनमें कोई ना कोई चार्ज होगा, उन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे निगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए ध्यान से, कभी भी दो ही चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईट पर नाच, बचपन में हम लोगों ने याद किया था, ईट पर नाच, टस इट जेजे टॉमसन, अप ईट पर प र से रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखेंगे बातें। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो किससे, प्रोटॉन से अधिक हो, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिक हो। देखिए इलेक्ट्रॉन के नीचे मैंने अधिक दिखाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है, किससे अधिक है, प्रोटॉन से। तो याद रखिए हमेशा निगेटिव आयन होता है, आयन कैसा होगा, चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इसको पढ़ते हैं एनायन, क्या पढ़ते हैं, एनायन। और अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है प्रोटॉन से तो वहां पे पॉजिटिव आयन होता है, तो उसको बोलते हैं कैटायन। तो यही पूछा था कि कैटायन में क्या होता है, तो कैटायन में पॉजिटिव आयन होता है। क्यों पॉजिटिव आयन होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था सिक्कों के बारे में, कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलाए? तो आपका उत्तर क्या है, इंडो ग्रीक ने चलाए थे। और इसमें किसने चलाया था? तो विम कटफिशस ने, ठीक ना, विम कटफिशस ने सबसे पहले शुरू किया था। और सर्वाधिक सिक्के किसने कब चलाया गया था? तो गुप्त काल में चलाया गया था। लेकिन सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाण वंश ने चलाए थे। अगर शीशे के सिक्के की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन वंश ने, शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा था, तो 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। किसके किसके? अकबर और हेमू। ये पहला शासक था इसने दिल्ली, पहला हिंदू शासक था इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, ठीक है। इसका नाम था विक्रमादित्य हेमू। यह अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू की हार होती है। इसका नाम, इस युद्ध का नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके पहले भी पानीपत में युद्ध हो चुका था बाबर और इब्राहिम लोदी को लेकर के, ठीक है। इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का आखिरी शासक है। जैसा कि मैंने बताया था कि लोदी वंश का पहला शासक कौन है, तो बहलोल लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, और तीसरा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ जो बाबर के साथ लड़ाई होती है, 1526 में लड़ाई हुई है, सन 1526 ईस्वी में, ठीक है। और इस युद्ध का नाम दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ प्रथम है ना, प्रथम युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ये लड़ा गया था 1760 से 1761 में, ठीक है ना। तो तीनों चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको अधिक अधिक चीजें बता रहा हूँ कोलेट करके, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन का फायदा मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आप याद कर लीजिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1911-1991 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पहली बार में तो गौरी हार गया था, चौहान जीत गए थे। बाद में द्वितीय युद्ध हुआ अगले साल जस्ट 1192 में, और इसमें गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में। इसी युद्ध में बाबर ने क्या एक नारा दिया था, ठीक है ना, जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जिहाद का नारा किसमें दिया था बाबर ने, तो खानवा के युद्ध में। चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, ठीक है ना। जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था भारत में आने के लिए और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए। उसको मूर्ख को नहीं पता था कि इसी लड़ाई में क्या हो जाएगी, अगला नंबर उसका लगे। तो 1192 में गौरी ने चौहान से लड़ा है, 1194 में चंदावर से लड़ा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन आया था। देखिए धन विधेयक की खासियत होती है कि पहली बात तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। तो उसके बाद ही ये क्या हो सकता है, पास हो पाता है, ठीक है। और बजट जो हमारा होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का धन विधेयक होता है, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका डिसीजन किसका कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा था, और इसमें क्या दिया गया है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन। और यह लिया कहां से गया है? तो यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। अनुच्छेद 45 के बारे में बात किया था। देखिए राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आते हैं, 36 से 51 तक ही आते हैं, ठीक है, उसी में पड़ता है 45 नंबर। और राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, ये बातें आप याद रखिएगा। और 45 में दिया क्या गया है, तो बताया गया है कि 6 वर्ष से कम के जो बालक होंगे, 6 साल से कम के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एक और है जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 21 ए है, यही अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति
आपातकाल लगाता है उस दौरान भी ये निलंबित नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो मूल अधिकार दिया गया है इसमें, और इसमें दिया गया है कि उपाधियों का अंत होगा, सारी जो उपाधि रखते हैं लोग उनका अंत हो जाएगा। ठीक है, उनका व्यक्तियों का नहीं अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा। ठीक है, और मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से, तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया गया अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जैसे बुरी चीज़ों का अंत होगा। ठीक है ना, ये है। स्मोक किससे बनता है? ठीक है, तो ऑप्शन नहीं था दोस्तों उसमें, तो ये जो ऑप्शन थे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये बनता है ओजोन से और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सर, एक मिनट। ठीक है, तो ये बनता है, पहली बात तो ओजोन से बनता है और किसके ऑक्साइड से भी मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन और सल्फाइड, ठीक है ना, तो सॉरी। ठीक है, तो स्मोक, इसमें जो बेटर ऑप्शन क्या होगा, स्मोक होगा। ठीक है ना, इससे बनता है, स्मोक माने धुआं होता है। ठीक है ना, और एक और था क्वेश्चन, पॉली उमिगिगर, उमिगिगर है दोस्तों। ठीक है ना, पॉली उमिगिगर अवार्ड सबसे ज्यादा बार किसको मिला है? तो 3 बार मिला है विराट कोहली को। तो यहां से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, एक और अवार्ड है दिलीप सरदेसाई अवार्ड। ठीक है ना, ये मिला है 2 बार मिला है आर अश्विन को, तो हो सकता है इस बार ये वाला पूछ दे। ठीक है, सैंड स्टोन किससे बनता है, ये क्वेश्चन आया था, तो मिलता है क्वार्ट्ज से और फिल्ड स्पार से बनता है। ठीक है, तो एकदम रट लीजिए सारे क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, कि कुछ भी अगर एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए आखिरी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर के बारे में पूछा था और वोल्ट मीटर के बारे में पूछा था, दोनों के रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था। तो याद रखिए आमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है और वोल्ट मीटर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 2016 का में जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में मैच खेला गया था, वो कहाँ खेला गया था? तो देखिए कई जगह मैच हुए थे, तो जिसमें से एक ऑप्शन मिल रहा था राजकोट। ठीक है, तो राजकोट। राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 143 में। हालांकि दोनों लोग वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। कहा कि किसका विघटन नहीं होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन कभी नहीं हो सकता, ये अस्थायी सदन होते हैं। ठीक है, और उच्च सदन भी माने जाते हैं, तो इनका विघटन नहीं होता है। पूछा था इलुवरीन एक्सरसाइज, ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है, सैनिक अभ्यास है और किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और मालदीव, मालदीव देश है दोस्तों। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास है। ठीक है ना, और मालदीव तो ठीक है भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन सटा नहीं है सीमा से। ठीक है, तो इंडिया और मालदीव के बीच में इलुवरीन एक्सरसाइज हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। पुअर कंडक्टर कौन सा होता है? तो सबसे खराब कंडक्टर कौन सा होता है? सुचालक, कुचालक के बारे में बात कर रहा है, तो कुचालक मान सकते हैं आपको इसको। ठीक है, तो ग्लास, ठीक है ना, बहुत कुचालक तो नहीं मानेंगे, पुअर कंडक्टर तो होता ही है लेकिन पुअर है, बहुत खराब है। ठीक है, तो ये मानेंगे ग्लास। भैरवा टेम्पल के बारे में पूछा था, भैरवा टेम्पल कहाँ पे? तो याद रखिए आप उज्जैन में है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और किस नदी किनारे है? तो छिप्रा नदी किनारे। छिप्रा नदी को दोस्तों मालवा की गंगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा बोलते हैं। ठीक है, विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? देखिए विधान परिषद के बारे में बोल रहा है कि विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है, तो देखिए विधान परिषद को समाप्त कर सकता है संसद। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद नहीं है, इसका मतलब या तो उनको समाप्त कर दिया गया या तो वहां पे नहीं है। तो लाने और समाप्त दोनों करने का काम कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन दोस्तों मुझे मिला, जैसे ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको, और प्लीज़ अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे चैनल का वीडियो देखकर देखिए, सब्सक्राइब करना आपके मन की बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हाँ प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।